मैं बताना चाहती थी कि मेरे को जब पता चला कि मैं सत्संग करूं गुरुजी के ऊपर, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, और खास करके क्योंकि गुरुजी ने तो हम सबकी लाइफ इतनी बदल दी कि हमें तो समझ भी नहीं आया कैसे बदली। और बस जैसे साल बीतते गए, सब चीज एक एक अंश जिंदगी का गुरुजी ने बदल दिया। हम लोग गए थे, मेरी एक कजन है माला, मेरी मौसी की लड़की, वो हमें बहुत बोलती थी कि एक गुरुजी हैं, वो उनसे आपको मिलना चाहिए, आप चलो मेरे साथ। तो हम लोग आर्मी के हैं, तो हम कभी ज्यादा मंदिर में जाते नहीं थे, घर में एक दो फंक्शन मनाते थे, तो हम हमेशा मना करते थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि हम इतनी जगह जाते हैं तो यहाँ भी चल के गुरुजी से मिल लेते हैं। तो करीब 12 साल पहले हम लोग निकले छोटे मंदिर के लिए, और अपनी क्योंकि मेरी कजिन ने बुलाया था वहां गए। और जैसे हम लोग गए, उस टाइम मेरे सिस्टर के हस्बैंड का जॉब अमेरिका में नहीं था, तो मेरी मम्मी थोड़ी परेशान थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरे ब्रदर इन लॉ की फोटो ले जाती हूँ गुरुजी को दिखाने। तो बंद लिफाफे में वो ले गई उनके पास, और जैसे हम लोग गए गुरुजी हमें वहीं मिले। उन दिनों में वो ऊपर नीचे चलते थे थोड़ा, अपने कमरे से अपने आसन तक और वापस, और रुके और उन्होंने हमारी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, क्या है ये क्या है? मेरी मम्मी बस यही बोलने लगी कि गुरुजी, बस इतने ही बोला और उन्होंने, और गुरुजी ने बोला, हो गया कल्याण। तो हम भी आश्चर्य में रह गए कि पहली दफे मिल रहे हैं गुरुजी को, और हमने तो कुछ उनको बताया भी नहीं अपनी मुश्किलों के बारे में, और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एनीवे, हम आ गए और खुशी से लंगर अपना खाए और गुरुजी से मिले और वापस चले गए। आप यकीन नहीं करोगे, जिस आदमी के पास नौकरी नहीं थी एक डेढ़ दो साल से, दो दिन में खबर आ गई हमको कि उसको बहुत ही बढ़िया नौकरी मिली। और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं कि उस दिन के बाद उसकी नौकरी कभी गई नहीं। इस बात को हो गए होंगे करीब 12-15 साल, उसकी नौकरी गई नहीं। वो अमेरिका में एक के बाद उसी नौकरी में रहे और बढ़ती करते गए। तो ये तो हमारा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ। हम नहीं गए थे कुछ भी मांगने, बट मम्मी ने सोचा था कि क्योंकि ये उनको थोड़ी परेशान करी थी, मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं वो, और मेरी एक ही बहन है अमेरिका में। यानी मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे को मन बहुत किया वापस जाने का, तो हम बार बार जाते गए। इनफैक्ट हमें उन दिनों में थर्सडे टू संडे अलाउड था, बट हाँ एवरी डे मेरा मन करता था थर्सडे टू संडे हर रोज जाओ, और गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। हम गए और कभी हम पर्दे के पीछे छिपते थे ताकि गुरुजी हमें नहीं बोले जाने के लिए, छोटे बच्चों की तरह इधर उधर, मगर गुरुजी का जब टाइम आता था गुरुजी हमेशा बोल देते थे अब जाओ। मेरे को बोलते थे PRR, और मेरे हस्बैंड जो फोटोग्राफर हैं उनको बोलते थे छोटा खन्ना। तो उनके अपने सत्संग है मेरे हस्बैंड के, मगर वो तो रेशाए हैं, मैं एक दो बता दूंगी आपको। तो एनीवे हम लोग जाते गए, बहुत आराम से हम लोग बैठते थे, गुरुजी कभी बात करते थे कभी नहीं करते थे, कैजुअल तरीके से। और एक दिन क्या हुआ, मैं बताती हूँ पहला, कि मेरी एक ही बेटी है हमारी जो पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहती थी, क्योंकि बचपन में गई होगी हमारे साथ छुट्टी के लिए, उसको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमने उसको बोला कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तो कहती है नहीं मैं कॉलेज करना चाहती हूँ वहां। तो हमने सोचा कि अब ऐसी इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। एनीवे जब वो 16 या 17 साल की थी, हम उसको ले गए गुरुजी से मिलने। मैंने कहा मंदिर तो चलो पहले गुरुजी से मिलो। तो मैं उसको ले गई और वो बैठी हुई थी हमारे साथ, और गुरुजी ने उसको देखा और गुरुजी ने बोला ये कौन है? तो मैंने बोला गुरुजी मेरी बेटी है काजोली। तो कहते हैं अच्छा ये बड़ी गुस्से वाली लगती है, मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत चुपचाप थी, तो और भी मतलब चुप हो गई उसके बाद। एनीवे हम लोग उसके बाद लंगर करें और हम गुरुजी के पास गए और आज्ञा लेने के लिए घर जाने के लिए। तो जब हमने उनके पैर छुए तो गुरुजी ने बोला, मैंने गुरुजी को बोला बड़े हेजिटेंटली, गुरुजी ये बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए। तो गुरुजी ने देखा उसकी तरफ और बोले सारे पैसे तेरे बर्बाद करेगी ये लड़की। हमने सोचा हमने क्या पूछ, और फिर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो हमने सोचा घर जाके, मैंने सोचा गुरुजी ने ऐसे बात कर दी और हम इसको भेजने का सोच रहे हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पैसे भी इतने नहीं थे हमारे पास।
फिर भी हमने बहुत मेहनत की और जब आने का टाइम हुआ कुछ महीनों बाद तो मुझे बुलावा आया मंदिर से कि मदान आंटी से, मदान अंकल से कि गुरुजी बुला रहे हैं तुमको। मैं डर के मारे गई नहीं, मैंने सोचा अब गुरुजी कुछ बोल दें। उन दिनों में हम कहीं जाते नहीं थे जब तक हमने आज्ञा नहीं दी गुरुजी से, तो मैंने सोचा अब मैं जाऊंगी और वो बोलेंगे कुछ, नहीं जाओ तो हम क्या करेंगे, अब टिकट भी आ गए हमारे हाथ में। तो मैं बैठी रही, फिर आया बुलावा कि गुरुजी बुला रहे हैं। फिर मैंने सोचा दो तीन दफे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो मैं गई मंदिर और गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपने आसन के बिल्कुल पास। सॉरी, उस दिन काफी संगत थी सामने। तो गुरुजी ने ऐसी बातें कैजुअली करी और बोला ऐसा है कि मैं तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ किसी के घर में सत्संग के लिए, और तुम भी आना और अपनी पूरी फैमिली को लाना। मैंने सोचा, मैंने बोला गुरुजी वो तो हम तो उस दिन होएंगे नहीं, हम लोग तो लंदन जा रहे हैं, मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ कॉलेज में दाखिल करने के लिए फाइन आर्ट्स में। तो गुरुजी ने बोला ऐसा है, वेरी कैजुअली, ऐसे नहीं, बाद में चले जाना, कोई बात नहीं, पहले यहाँ आना। मैंने गुरुजी से थोड़ी बहस करने की कोशिश की, मैंने बोला गुरुजी ये तो टिकट आ गए हैं, अब हम क्या करें। फिर गुरुजी ने थोड़ा और फर्मली बोला कि मैंने बोल दिया ना कि अभी नहीं जाना है, बस, और कोई जाए या ना जाए मगर तुम नहीं जाओगी कहीं भी। तो मैं चुप रही क्योंकि इतनी संगत आगे भी बैठी थी और हम लोग बिल्कुल गुरुजी के साथ ही बैठे हुए थे नीचे। तो मैंने गुरुजी को बोला ठीक है गुरुजी, आपको गुरु माना है तो आपकी बात सुननी चाहिए। मैं घर गई और फिर सबने बोला, मेरे को डांटा भी कि टिकट आ गए, सब प्लान बन गया, अब तुम कैसे कैंसिल कर सकती हो, मेरी बेटी तो बच्ची थी, वो तो और भी गुस्सा हुई। मैंने बोला जो भी है कोई बात नहीं, हम बाद में चले जाएंगे। और फिर हम लोग गए, वो सत्संग पास में था, हम वहां गए, गुरुजी आए थे और गुरुजी बहुत ही खुश थे उस दिन, और बहुत संगत आई हुई थी पुरानी और नई भी। और हम लोग वहां बैठे गुरुजी के साथ, गुरुजी ने सबको बहुत ब्लेसिंग दी, ऐश कर सबको बोला, और फिर हम घर चले गए और उसके दो चार दिन बाद हम लोग निकल गए। तो इस तरह हम लोग, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने हमें रोका, शायद वो हमारी टेस्ट ले रहे थे कि हम उनकी बात सुनते भी हैं कि नहीं। एनीवे, ये एक सत्संग है, हम लोग गए और वो दिन को आज हो गए हैं। मेरी बेटी थी उस दिन, उस टाइम थी 17 साल की, आज है वो 33 इयर्स ओल्ड। तब से वो पहाड़ी लंदन में है। गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग थी कि वहां गई, उसने 6-7 साल बीए किया, एमए किया, वहां नौकरी पकड़ी, वहां शादी भी वहीं एक ब्रिटिश लड़के, बहुत अच्छे लड़के और फैमिली के साथ करी और वहीं रहती है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी जो उन्होंने उसको वहां भेजा, और उसकी सारी हम उनके उसके सारे काम सफल हो गए काजुली के। तो ये, और हमने उनसे कुछ मांगा नहीं था, गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती थी, उनको खुद ही पता चल जाता था, या थोड़ा सा भी कुछ इंडिकेशन मिले फिर बाकी उनके हाथ में छोड़ देते थे हम लोग, कि वो जो ठीक समझे वो ही करवाएंगे, जो भी ठीक अपनी संगत के लिए। क्योंकि वो कहते थे कि मेरी संगत, मेरी परिवार मेरी संगत है, दे आर माई फैमिली, ऐसे बोलते थे हम लोगों को कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली मेरी संगत है। तो फिर ऐसे दिन बीतने लगे। एक और मैं आपको सत्संग बताऊंगी जो अभी भी जब मैं उसके बारे में सुनती सोचती हूँ तो मेरे गूज बम्स हो जाते हैं। एक दिन मैं, मेरी एक सहेली है प्रीति जो डिजाइनर है जीके वन में, तो गुड़गांव से हम लोग गए, उसने कहा कुछ कपड़े आए हैं आके देख लो, ये सुबह की बात है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो निकल पड़ते हैं। तो गुड़गांव से हम लोग वहां गए, कपड़े वपड़े देखे, और उसके बाद गुरुजी ने हमें करीब एक महीने पहले एक इन्विटेशन कार्ड दिया था कि शाम को किसी पुरानी संगत के घर में, आईपी कॉलेज में सत्संग है तो वहां जरूर आना। तो वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो घर जाते हैं थोड़ा आराम करके फिर निकल जाएंगे सत्संग के लिए। ऐसे हम लोग घर गए और तैयार होके हम लोग शाम को निकल गए। शाम को निकले हम लोग सत्संग में पहुंचे, वहां काफी भीड़ थी, बहुत पुरानी और नई संगत थी, गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे थे बैठे अपने आसन में, और हम थोड़े लेट थे तो हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे और हम लोग सब सुन रहे थे। मुझे अभी भी याद है गुरुजी ने एक चेक ब्लैक एंड व्हाइट स्कार्फ पहना हुआ था और विंटर का टाइम था, तो हम लोग ने सत्संग सुना
और फिर जाते समय गुरुजी ने अपने हाथ हमारी तरफ इशारा करके बुलाया अपने पास। तो हम थोड़ा डर डर के गए, हम लोग थोड़ा डरते भी थे गुरुजी से उन दिनों में। तो हम गए उनके पास कि अब क्या कुछ गलती तो नहीं होगी हमसे। तो गुरुजी ने बोला छोटे मंदिर होते हुए आना। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एमजी रोड को छोटा मंदिर बुलाते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि वो बोल रहे हैं छोटे मंदिर आज कि आना। तो हम लोग गए छोटे मंदिर, बिल्कुल अंधेरे में था, कोई था नहीं उधर। गुरुजी पहुंचे नहीं थे वहां आईपी कॉलेज से, लेडी ओवन कॉलेज से। तो हम लोग गए अंदर, मेरे हस्बैंड और हम, और वो एक सर्वेंट था उसने हमें बिठाया। और थोड़ी देर में गुरुजी आए और वो भी बैठ गए और उन्होंने उन सर्वेंट को बोला मेरा लंगर लाओ, मेरा खाना लाओ। तो वो लाए परस के गुरुजी के लिए लंगर। और फिर गुरुजी ने बोला सर्वेंट को कि इन दोनों को भी लंगर दो। तो हम नीचे बैठे थे, गुरुजी ऊपर बैठे थे, हमको भी सर्वेंट ने लंगर दे दिया। लंगर खा लिया हमने। फिर मेरे हस्बैंड ने तो बोला भी कि गुरुजी अभी तो हम इतना लंगर खा के गए, तो जहां भी गुरुजी होते थे वहां संगत बहुत प्यार से पूरा खाने पीने का बंदोबस्त करती थी लंगर का। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते ये असली लंगर है, इसको खाओ। तो हमने खा लिया लंगर और हम लोग घर करीब 1-2 बजे रात को पहुंच गए। दूसरी दिन मेरी सहेली जिसके घर हम गए थे उसी दिन सुबह, प्रीति नाम है उसका, उसका फोन आया कि कामिनी तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ, क्यों? मैं तो शाम को सत्संग में थी गुरुजी के साथ 2 बजे तक और फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। कहती है बहुत अजीब बात हुई, तुम लोग सुबह में आए थे मेरे घर, तुम और तुम्हारे हस्बैंड। मैंने कहा हाँ सुबह में आए थे। कहती है तुम लोग आ गए और शाम को हमने अपने किसी दोस्त को खाने पर बुलाया था उसकी वाइफ के साथ, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा परसेप्टिव काइंड ऑफ आदमी है, स्पिरिचुअल आदमी है। वो हम लोग बैठे हुए थे ड्रॉइंग रूम और खाना खा रहे थे और उसने थोड़ी देर बाद बोला तुम अपनी बहन को क्यों नहीं बुलाती हो? तो प्रीति चौंक गई, कहती मेरी बहन तो यहाँ है नहीं, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड अतुल हैं यहाँ आज, और कोई है नहीं घर में। कहता है नहीं, ये लड़की घूम रही है, किचन से जा रही है बेडरूम में, बेडरूम से जा रही है किचन में, और फिर उसने मेरे को बिल्कुल जैसे डिस्क्राइब किया जैसे मैं वहां गई थी, वही हरा रंग का फिरन, मेरे बाल थोड़े कर्ली कर्ली हैं, मैं थोड़ी प्लम्प हूं, बिल्कुल मेरे को हूबहू ऐसे ही डिस्क्राइब किया जैसे मैं सुबह में वहां कपड़े पहन के गई थी। तो मेरी फ्रेंड को बहुत डर लग गया कि ये लड़की तो मेरी सहेली कामिनी है, ये आई थी सुबह और मैं और मेरे फ्रेंड इसको रात को कैसे देखते मेरे घर के अंदर, जब ये है ही नहीं। तो मैं तो चली गई थी वहां से 1 घंटे में और ये आदमी ने मेरे को रात को कहा था इस लड़की प्रीति के गर्भ में। उस टाइम गुरुजी ने मुझे बुला के मेरे हस्बैंड के साथ मेरे को अपने पास रखा किसी ना किसी तरीके से, 9 बजे रात से लेकर 1-2 बजे तक अपने पास ही रखा। पहले सत्संग के बहाने, उसके बाद में मंदिर में, छोटे मंदिर में लंगर के बहाने मैं उनके पास ही थी, बैठी हुई थी और कुछ बोले नहीं, बस बोले अच्छा अब घर चले जाओ। मैंने कभी गुरुजी से पूछा नहीं क्योंकि मैंने बोला मुझे उनसे थोड़ा डर लगता था और हम प्यार उनसे बहुत करते थे मगर फिर भी थोड़ा तो डर, इन ऑफ हम लोग होते थे, तो मैंने कुछ पूछा नहीं। मगर मेरे को समझ में आया कि वो लड़की ने जरूर मेरा भूत देखा था और गुरुजी ने जरूर मुझे किसी कष्ट से बचाया था। ऐसे थे हमारे गुरुजी। और ये सब बातें गुरुजी ने 1 महीने पहले ही देख लिया था क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उनको तो पहले से पता होता है क्या लाइफ में होने वाला है। ऐसा एक और सत्संग है, ऐसे बहुत सत्संग है, मैं एक और बताती हूँ आपको। एक दिन मेरे हस्बैंड और मैं वसंत विहार में गोल्डन ड्रैगन एक चाइनीज रेस्टोरेंट है वहां खाना खा रहे थे रात को और वो खाना काफी हेवी था, नॉन वेजिटेरियन और प्रॉन्स और ये सब जो शायद हमें नहीं भी खाना चाहिए। तो उस टाइम मेरी कजन का फोन आया माला का कि मैं मंदिर से बोल रही हूँ, वो भी टाइम काफी रात का था, करीब 10:30-11 बज गए थे, और बोली कि तुम कहाँ हो गुरुजी याद कर रहे हैं। मैंने कहा हम लोग नए थे गुरुजी के पास, मैंने कहा अभी तो हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि
मैं फूड लिस्टिंग कर रही हूँ, उस टाइम मैं खाने के ऊपर लिखती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मैंने कहा मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ और रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, मैं नहीं छोड़ के आ सकती अभी। पर मैंने फोन नीचे रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, मेरी कजिन का फोन आया कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो लड़की, उसको यहाँ बुलाओ। कहते हैं, फिर बोलने लगे कि जब भी कोई दरवाजा से आवाज आती है वो मेरे से पूछते हैं वो कामनी आ गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को करीब 12:30 बजे रात गुरुजी कह रहे हैं कि अपने घर जाओ और उनके लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए कोई दवाइयां लेकर आओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब रात को कहाँ दवाइयां मिलेंगी और क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो फिर भी हम लोग घर गए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं करते थे गुरुजी को ज्यादा, जैसे बोलते थे बस वैसे ही हम लोग बिना कुछ पूछे करते थे। तो बिहार से हम लोग गुड़गांव आए रात को, जल्दी से दवाइयां जो भी विटामिन वीकनेस की जो भी है जो, हम लोग वहां गए, वहां पहुंचे और वहां हमने देखा संगत डे था। तो हम लोग गए दवाइयां लेकर वापस, और वहां एक ब्रिगेडियर होते थे जो गुरुजी डॉक्टर थे, जो गुरुजी की देखभाल भी थोड़ा करते थे और उनके साथ वहां रहते थे। अभी रिसेंटली एक दो साल पहले ही वो चल बसे, उनको हमने दवाइयां दे दी और वहां बैठे लंगर थोड़ा लिया, हलवा प्रसाद खाया और फिर गुरुजी ने बोला अच्छा अब तुम घर जाओ। फिर हम घर आ गए। आज तक मैंने कभी नहीं पूछा फिर से गुरुजी को क्यों उन्होंने हमें बुलाया, क्यों वो दवाइयां चाहिए थे उनको, और वेदर उन्होंने खाया कि नहीं, कुछ पता ही नहीं हमें। तो ऐसे में ही प्रॉब्लम होगा जो उन्होंने हमें वहां से उठाते। ऐसे जाते रहे गुरुजी के पास, जितने दिन जाते उतने दिन हमें कम लगते। 4 दिन भी हम, मुझे लगता था कम। मेरे हस्बैंड मेरे को कभी कभी बोलते थे गुस्से में, तुम वहीं रह लो, थर्सडे जो संडे तुम वहीं रहती हो। तो फिर और उसके अलावा हम लोग बड़ा मंदिर भी जाते थे सारे ओकेजंस पे। और हमारे जैसे बहुत लोग थे जो गुरुजी को देखे बिना मन नहीं लगता था उनका। हम सब जाते रहते थे। एक दिन मेरी मम्मी अमेरिका जाना चाहती थी, तो फिर मेरी मम्मी चली गई बिना आज्ञा लिए गुरुजी से, और चली गई और वहां बहुत ही बीमार हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी अस्थमा की पूरा दवाई नहीं ले गई थी और कम हो गई थी दवाई, और उनको हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ा और वो बहुत ही बीमार थी। मुझे याद है जिस दिन हमें पता चला कि वो हॉस्पिटल में है और बहुत ही इमरजेंसी वार्ड में है, उस दिन गुरुजी की फोटो मेरे कमरे में बेडसाइड टेबल से नीचे गिर गई। और मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब तो मम्मी पता नहीं बच भी पाएंगी कि नहीं, बट समाओ मम्मी ठीक हो गई और वापस आई। और गुरुजी ने फिर उनको बहुत बोला कि अब इसके बाद नहीं जाना, बस इसके बाद नहीं जाना बिल्कुल भी। इतना ख्याल रखते थे गुरुजी, सबका ध्यान रखते थे, चाहे हम लोग उनसे कभी कभी उनकी बात भी नहीं सुनते थे फिर भी वो हमारे बारे में हमेशा सोचते थे, हमेशा हमेशा। और ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन हमने देखा कि सुधा आंटी और गुरुजी और मेरी कजिन मेरे घर के बाहर खड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग गुरुजी। उन्होंने कहा गुरुजी आ रहे हैं, यहाँ आए हैं सामने बगल वाले घर में कुछ फिजियोथेरेपी के लिए। तो हमने सोचा ठीक है, सबके कष्ट लेते हैं, होता होगा उनको भी इधर उधर कोई प्रॉब्लम, सबके कष्ट तो लेते थे अपने ऊपर। तो मैं भी गई बहुत एक्साइटेड होके उनको मिलने। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा वहां काफी भीड़ हो गई थी, छोटा सा क्लिनिक था मगर भीड़ बहुत हो गई थी, क्योंकि लोगों को पता ही चल जाता है जब गुरु आते थे। तो जब हम गए उधर तो उन्होंने मिले भी नहीं मेरे से, मैं बहुत निराश होकर घर की तरफ वापस चल के जा रही थी। जब उन्होंने बोला इधर आ, तो मैं गई। उन्होंने मेरे को बोला कल से मेरे लिए लंगर बना के ला। मैं इतनी खुश हो गई और इतनी नर्वस भी हो गई। मैंने अपनी मम्मी को बोला तुम ही लंगर बनाना, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं नहीं कुछ बना पाऊंगी, मैं ले जाऊंगी और तुमको हेल्प कर लूंगी।
तो हर रोज हम लोग 5 बजे के करीब ट्रे में सब चीज जो हम सोचते थे गुरुजी को पसंद है, थोड़ा बहुत हमें पता था, थोड़ा बहुत गेस करते, पूरा ट्रे सजा के चल के जाते थे उधर, या कभी गाड़ी में, बस चार घर आगे ही आते थे वो। और गुरुजी बैठ के सारे डॉक्टरों को बुलाते थे वहां और बोलते थे ये जो काम नहीं लाई है ये खाना नहीं है, ये लंगर है, इसको आओ और इसको खाओ। और इसी तरह उन्होंने मेरे को डॉक्टर बेला सेठ जी से मिलाया। वैसे वो मेरे इन लॉज की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मगर मैं नहीं कभी मिली थी उनको। और ऐसा ये चलता गया, एक डेढ़ दो महीने हो गए, नहीं एक महीना हो गया होगा, फिर मेरे को शिमला जाना था। तो हम लोग इतने फूलिश थे, खुद ही जाके गुरुजी को बोले गुरुजी आज्ञा दे दीजिए मुझे शिमला जाना है। उन्होंने कहा हाँ जाओ, खुशी से जाओ, ऐश करो। तो मैं गई अपना छुट्टी मना के, वापस आई फिर थोड़ा बहुत लंगर ले जाती थी क्लिनिक में, उसके बाद में उन्होंने आना यहाँ बंद कर दिया। फिर एमजी रोड ले जाती थी, इतनी बड़ी सेवा दी, मैं अपने आप को बहुत ही, हमारे परिवार के सब लोग जाते थे लंगर लेके, कभी कभी मेरी बेटी जाती थी, कभी मेरी सास, कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे को मदद चाहिए होती थी तो मेरी काम करने वाली लड़की, वो भी इतनी लकी थी, उसको भी चांस मिलता था चलने के लिए। एक मेरी बेटी गई मेरे साथ और गुरुजी ने उससे कुछ पूछा और उसकी इंग्लिश इतनी, हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने बोला क्या, मेरे को बहुत शर्म आई और मैंने बहुत उसको डांटा गुरुजी के सामने, और गुरुजी तो बस हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे कि उनका मुंह लाल हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो इनोसेंट है, वो उसको वैसे ही नहीं कुछ पता, ज्यादा हिंदी लैंग्वेज में इतनी अच्छी नहीं है और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। तो गुरुजी ऐसे थे, बिल्कुल चाइल्ड लाइक, भोले शिव थे। उनको गुस्सा आता था तो तेज गुस्सा आता था, और जब खुश होते थे तो बहुत खुश हो जाते थे छोटी छोटी बातों से। और ऐसे चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा। मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर हैं, गुरुजी को पता नहीं कैसे पता चला वो फोटोग्राफर हैं। पहली दफे जब मेरे हस्बैंड गए गुरुजी को मिलने, तो गुरुजी ने बोला तो मेरी फोटो लेगा, तो मेरे हस्बैंड वैसे ही चौंक गए कि इनको तो मैंने कुछ बताया नहीं है कि, और संगत में कोई हमें जानता नहीं था उन दिनों में, पहले तो इनको कैसे पता मैं फोटोग्राफी करता हूँ। तो फिर उसके बाद जहाँ गुरुजी जाते थे तो मेरे हस्बैंड भी काफी जाते थे संगत में और उनकी फोटोज लेते थे, और इट वॉज अ बिग ऑनर, वेरी बिग ऑनर फॉर माई हस्बैंड। और फिर ऐसे ही आप देख रहे, मैं जैसे बता रही हूँ हर एक मेंबर फैमिली में उन्होंने ब्लेस किया। हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब मेरी बेटी लंदन गई, मैंने बोला कि हमारे फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम लंदन जैसी जगह में उसको भेजें। तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरे हर रोज लड़ाइयां होती थी। वो कहते थे मैं कैसे भेजूंगा, 6-7 साल का कोर्स है, एमए बीए, पैसे कहाँ से आएंगे हॉस्टल के और पढ़ाई के, और वो भी इतने बड़े कॉलेज के अंदर। और मैं कहती थी किसी ना किसी तरह हम कोशिश करेंगे, बस इन्हीं बातों में झगड़े होते थे। और उसी टाइम हम लोग गुरुजी के पास जाके बैठते थे। एक दिन हम गए वहां गुरुजी के छोटे मंदिर में, मेरे साथ एक लेडी थी तारा सिन्हा, मैं उसको ले गई थी, वो एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ी लेडी होती थी, वो गुरुजी से मिलना चाहती थी, मैं उसको ले गई। और हम लोग बैठे हुए थे, काफी लेट हो गया था 11:30 बजे, और उस दिन सारे फोटोज में से अमृत बरस रहा था गुरुजी के मंदिर के अंदर, ऊपर भी नीचे, तो हम लोग सब इधर उधर भाग के देख रहे थे कि हर एक फोटो में से अमृत बरस रहा है। फिर हम देख के बैठ गए। जब जाने का टाइम हुआ हम गए गुरुजी के पास आज्ञा लेने, तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू अपने ससुर के पेंटिंग्स के नाल रहे। मैं घर आ गई, मेरे फादर इन लॉ आर्टिस्ट हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये पता नहीं क्या गुरुजी बोल गए, मुझे तो आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, मेरा लाइन है एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म, और मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी होती थी, अब मुझे नहीं पता ये आर्ट का कैसे बीच में गुरुजी ने क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया करके। मैं दूसरे दिन जब मैं उठी, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी एक सहेली है जिसका ये एक आर्ट गैलरी है, वो मेरे घर आ गई और बोलती है, मेरे को बोलती है कि मुझे एक हुसैन चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो कोई हुसैन नहीं है। कहती है कोशिश करो, कोई पता करो कोई अगर बेच रहा हो हुसैन।
और उसी के दो तीन बाद आप फिर नहीं यकीन करोगे कि मेरे इन लॉ फैमिली में मेरी हस्बैंड की बुआ मेरे पास आई कि हमें ये हुसैन बेचना है। बहुत ही सुंदर हुसैन था, आई रिमेम्बर खाजूरा उस सीरीज का। एंड वो लड़की आई और बड़ी खुशी से पैसे दी और ले गई। और एज आई टोल्ड यू कि मेरे को शौक था अच्छा पेंटिंग देखने का, मगर मेरे को कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था आर्ट के बारे में। मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी। उस दिन के बाद में आप यकीन करो गुरुजी ने मेरी पूरी करियर ही पलट दी। कहां मैं 15-20 साल से एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म और पीआर में थी और गुरुजी खुद मेरे को पीआरआर बुलाते थे। और उस दिन के बाद में मैं पेंटिंग्स बेचने लगी। कभी कोई आता था मेरा हुसैन बेच दो, कभी कोई बोलता था ये वो पेंटिंग बेच दो मुझे, या रिक्वेस्ट आती थी ये पेंटिंग खरीदनी है। उन गुरुजी ने अपने एक सेंटेंस मेरे को उस रात को बोला और मेरा पूरा करियर ही अपने आप ही बदल दिया। अब नेचुरली पेंटिंग का जॉब थोड़ा और लुक्रेटिव होता है, तो उससे हम लोग ने मैंने अच्छे पैसे भी कमाए। और नेचुरली दैट वाज अ बिग हेल्प इन एजुकेटिंग माय डॉटर, सो दैट इज हाउ। और गुरुजी को हमने कुछ इस विषय में कुछ नहीं पूछा था या मांगा था, ये सब उनकी अपने आप ही उन्होंने सब करवाया। तो इसलिए गुरुजी बस यही चाहते थे कि हम उनके ऊपर, जैसे सबको पता है, फेथ रखे, उनको दिल से सच्चे दिल से प्यार करें और हमेशा उनके पास रहने की कल्पना करें, बस। और कुछ गुरुजी को नहीं चाहिए था। ऐसे बहुत इंसिडेंसेस जैसे सारी पुरानी संगत के पास थे और हमारी पुरानी संगत बहुत ही प्यारी थी। आजकल मेरे को दुख होता है क्योंकि काफी संगत है मगर काफी संगत इधर उधर बिखर गई है, बहुत तो बाहर चले गई है इंडिया के। अपने अपने कारण होते हैं सबको जाने के, बक सब लोग इधर उधर चले गए, मगर बहुत प्यारी संगत थी और हम लोग बहुत खुश होके गुरुजी के पास बैठते थे। अभी भी संगत वैसी है और अभी भी संगत के साथ काफी मिरेकल्स हो ही रहे हैं क्योंकि गुरुजी हमेशा थे, तभी भी थे, अभी भी हैं और हमेशा होंगे। अभी भी जब मैं ये सब, इसके पहले बहुत सुंदर शब्द खेल रहे थे मंदिर के भक्त और वो सुन के भी मेरे को इतना बढ़िया लगा, जैसे कि गुरुजी हमारे पास अभी भी हम उनके उनके पास हैं और वो सामने बैठे और हम उनके सामने लंगर कर रहे हैं और बैठ के शब्द सुन रहे हैं उनके साथ। सब चीज वो हमारे साथ ही करते थे। अगर हम लोग शब्द सुनते थे वो भी आंख बंद करके शब्द सुनते थे। बस वो डिसिप्लिन है, उनको डिसिप्लिन अच्छा लगता था जो हम सब थे अपने भक्तों को। और जब गुरुजी हमें बाहर ले जाते थे आश्रम में, तब तो हमारे तो ऐसे हम लोग जब बाहर जाते थे तो इतना मजा कराते थे गुरुजी, जो बहुत संगत ने पहले भी बताया होगा। एक पिकनिक होती थी जैसे जाते समय और गुरुजी बहुत ही ज्यादा हमारे साथ एंजॉयमेंट करवाते थे हम लोगों को। और हमें लगता था कि दिस इज हेवन, गोइंग आउट विद गुरुजी आउट ऑफ टाउन इज हेवन। गुरुजी हमेशा मेरे को कहते थे कि अपनी सहेलियां को लेकर आ, मैं उनको ब्लेस करूंगा। तो मैं सोचती थी कि सहेलियां तो ठीक है, तो मैं ले जाती थी क्योंकि बहुत लोग फैसिनेटेड थे गुरुजी के साथ। कोई फैसिनेटेड था कि उनका कम्प्लेक्शन कितना सुंदर है, कोई फैसिनेटेड क्योंकि पहले पहले ये सब चीजें आकर्षित करती थी गुरुजी की तरफ लोगों को। कोई बोलते थे कि कितना मतलब सरीन एक्सप्रेशन है उनका, कोई कहते थे कितनी जॉली हैं, कितनी अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। ऐसे करके मेरी बहुत सहेलियां जाती थी मेरे साथ। एक दिन जब मैं गए और मैं उनके पास बैठे हुए थी, कभी कभी बुलाते थे अपने आसन के पास नीचे बैठने के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला तो अपनी एक सहेली को लेकर आ, उसका नाम है, जरा अपनी सहेलियों के नाम ले। तो मैंने लिए दो चार नाम, कहते हाँ रश्मि को लेकर आ। मैंने कहा गुरुजी मेरे फोन में 5 रश्मि है, कौन सी रश्मि के बारे में आप बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा तुम इस रश्मि को लेके आओ, मेरे को उसके पिताजी का एक कोई कर्जा चुकाना है।
तो मैंने पूछा ससुर का, तो मैंने बोला कौन ससुर, मैंने कहा तो उन्होंने कहा जानकी दास, तो फिर मैं समझ गई कि मेरी सहेली रश्मि कपूर के बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई अपनी सहेली के पास। पहले तो मेरी सहेली ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, फिर मैंने बहुत बोला तो फिर वो आने लगी, और फिर वो इतना आई कि वो रेगुलर बन गई भक्त गुरुजी के और आती गई। मगर मेरे को आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि 5-6 रश्मि ने कैसे उन्होंने बोला कि ओ वाली रश्मि को लेकर आना। फिर वो सब चीज जानते थे, ये बात बिलीव करने में हमें बहुत टाइम लग रहा था कि कैसे वो सब चीज जानते थे, क्योंकि वो भगवान थे इसलिए वो जानते थे सब चीज जानते थे, और फिर भी इतने कैजुअली बताते थे हम लोगों को, कोई ड्रामा नहीं करते थे, बहुत कैजुअली और बहुत प्यार से हमें अपने पास बिठा के आराम से रखते थे, और हम बहुत सेफ फील करते थे उनके पास बैठ के। हमें लगता था कि यहाँ तो हमें कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हम वहाँ इतना मन करता था, सबका सब संगत का इतना मन करता था वहीं भागने का पूरे टाइम। और यकीन मानिए कि अभी भी इतने साल हो गए हैं, अब गुरुजी अपने चोले में नहीं है, मगर अभी भी हमें उतना ही मन करता है जाने का, उतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं अगर हमें पता चलेगा कि हमें मंदिर जाना है। मेरी फ्रेंड्स कभी कभी बोलते थे मेरे को कि तुम अब तो जाती हो, अब तो वो नहीं है। मैंने कहा अब तो वो है, अभी भी है, वो अभी भी वो वही है, और उनकी खुशबू से पता चलता है। कोई कोई लोगों ने तो उनको देखा भी है बड़े मंदिर में, मैंने तो नहीं देखा है, मगर उनकी खुशबू बहुत दफे वी हैव फेल्ट, दैट्स हाउ वी नो दैट ही इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कोई फीलिंग की जरूरत नहीं है कि ही इज देयर और ही इज नॉट देयर, अपने आप ही खींचे जाते हैं मंदिर की तरह। और गुरुजी कहते भी थे कि अभी तुम लोग मेरे पास इतने आराम से बैठे हुए हो, कभी 50 लोग, कभी 20, कभी 60, कभी 100, बाद में ही ऐसे लाइन लगेगी चप्पलों की बाहर, अंदर आना ही मुश्किल हो जाएगा। अब वही हो गया है बात कि अंदर इतनी भीड़ होती है कि वी आर वेरी लकी कि हमें एक दिन कभी कभी पुराने सत्संग को संगत को बुला लेते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है हमारे उम्र के लोगों को जाने के लिए। अब इतनी भीड़ है और इतने विश्वास है। एक दिन मैं एक ओल्ड लेडी को लिफ्ट दे रही थी मेन गेट से अंदर तक अपने ड्राइवर के साथ, और वो लेडी ने मेरे को बोला कि मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था, मगर पहले दिन मैं आई मंदिर में पहले दिन और वो दर्द गायब होने लगा। और वो भी थोड़ी मतलब आश्चर्य में थी कि ये हुआ कैसे है। तो ऐसे ऐसे और ऐसे पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस है नए भक्तों के, इसलिए तो इतनी भीड़ है। हम लोग तो अभी भी बिलीव करते हैं कि गुरुजी एक ना एक दिन फिजिकल रूप में जरूर आएंगे, उसी उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन हम जरूर उनको फिर से मिलेंगे। उन दोनों का माहौल जो भी आप कहिए, मगर उन दोनों का माहौल कुछ अलग था जब वो बैठते थे। वो अभी भी है, अभी भी उनका प्रेजेंस फील होता है जब हम अंदर जाते हैं, मगर उन जब वो वहां बैठते थे तभी भी बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसा महफिल होता था। बहुत हंसी मजाक करते थे वो सबके साथ जब वो अच्छे मूड में होते थे, और मोस्टली तो अच्छे ही मूड में होते थे, अपनी संगत होती थी तो अच्छे मूड में होते थे। और मुझे याद है कि जिस दिन हम उनसे लास्ट दिन मिले हैं, उस दिन अचानक मेरी सहेली ने बोला, एक सत्संग हो रहा था यहाँ के भी भक्त के घर, उस दिन के बाद उन्होंने बोला, उस संगत सत्संग के बाद उन्होंने बोला चलो चलते हैं छोटा मंदिर गुरु जी के पास, संगत दे था। तो हम लोग गए और उस दिन मेरे को याद है बहुत भीड़ थी, तो हम लोगों को जगह मिली, वो सीढ़ियां जो ऊपर जाती हैं छोटे मंदिर में, वहां जगह मिली थी बैठने के लिए। वहां हम लोग बैठे और मेरी आंखों से पानी गिरता गया। मैंने सोचा पता नहीं क्यों मैं इतना, मेरे को रोने का पता नहीं क्यों मन कर रहा है। और गुरु जी थोड़ी, हम लोग गुरु जी को ठीक से देख नहीं पा रहे थे, मगर वो भी थोड़ा सीरियस ही लग रहे थे। एनीवे काफी लेट टाइम था, हम लोग लेट पहुंचे थे, और उसके बाद हम लोग लंगर करके, मैं जब आगे ले रही थी उनसे, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने आगे ली और मैं बस हमेशा उनके चेहरे को मैं देखती थी। इस टाइम मैंने नहीं देखा और मैं बाहर निकलने लगी। जैसे मैं बाहर निकल रही थी तो वहां लेफ्ट को एक जगह है खाली जगह, जहां से गुरुजी दिखाई देते हैं दरवाजे से
जस्ट बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द डोर, वहां से मैंने देखा और गुरुजी मेरे को बहुत देख रहे थे, जैसे कि स्टेयर कर रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया और फिर मैं चली गई बस। उसके बाद हमें दूसरे दिन खबर मिली कि उन्होंने अपना उनकी चोला उन्होंने छोड़ दिया। और उस दिन के बाद तो हम लोग गए थे डुगरी, मगर बहुत ही ज्यादा हम लोग सब डिप्रेशन में थे। मगर अब जाके हमें अच्छा लगता है जब हम देखते हैं इतने नए भक्त आ रहे हैं और इतने लोग बैठे हैं और अभी भी गुरुजी के सारे परंपरा मंदिर में वैसी बनती है जैसे पहले बनती थी। जो जो जैसे गुरु जी करवाते थे वैसे काम हो रहे हैं अभी भी। और मंदिर वैसे साफ और स्वच्छ, गुरुजी खुद आते थे कभी कभी, जब हम लोग जाते थे बड़ा मंदिर हम देखते थे वो माली जी के साथ खुद सारे बगीचे में ये वो करवा रहे हैं। एक दिन उन्होंने मेरे को बोला था मुझे एक प्लांट चाहिए, पता नहीं कौन सा प्लांट है मैं भूल गई हूँ, तो मैं हाँ नींबू का पेड़, तो मैंने ला के दिया। और अभी भी मैं माली को पूछती हूँ वो पेड़ कहाँ है और माली मेरे को बता देता है कि यहाँ लगा हुआ है। गुरुजी को पौधों का बहुत शौक था। अभी तो सबके घरों में बहुत प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं, मंदिर में भी होते हैं, पर जब हमें पता चलता है हम जाते हैं। जय गुरुजी, थैंक यू।